हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो हमने लिए हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी किसी प्लास्टिक मटेरियल की, वो किन टेस्ट से हम करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अगेंस्ट हाई वोल्टेज इज नोन एज, यानी कि किसी भी मटेरियल की इंसुलेटिंग कैपेसिटी हाई वोल्टेज के अगेंस्ट हमारी मेजर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें दिया है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रॉन्ग। सेकंड है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम जानते हैं क्या कहा जाता है, द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अगेंस्ट हाई वोल्टेज इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि किसी भी जो एट्रीब्यूट हमारा मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो किसी भी जो हमारा सैंपल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो हमारी क्या कराती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारी दो टाइप की होती है, एक सरफेस रेजिस्टिविटी और एक वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कंडक्टिविटी, दैट इज रॉन्ग। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी रॉन्ग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेशियो हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज अपॉन थिकनेस, यानी कि द रेशियो ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड थिकनेस ऑफ सैंपल मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर हमारा क्या है, पहला ऑप्शन वोल्टेज ऑब्लिक लेंथ, सेकंड है ब्रेक डाउन वोल्टेज अपॉन लेंथ, थर्ड ऑप्शन है ब्रेक डाउन वोल्टेज अपॉन थिकनेस, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द रेट ऑफ वोल्टेज राइजेज इन जनरली इन टर्म्स ऑफ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में जो वोल्टेज हमारा राइज करता है तो उसकी रेट को हम किस टर्म्स में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट पर मिनट, दैट इज रॉन्ग। किलोवाट पर सेकेंड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसकी रेट को हम वोल्ट पर सेकेंड में मेजर करते हैं या फिर किलो वोल्ट पर मिनट में मेजर करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच द स्लो रेट ऑफ राइज मेथड इज कैरीड आउट बाय अप्लाइंग द इनिशियल वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू परसेंट ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो स्लो रेट ऑफ राइज मेथड जो है उसमें हमारा क्या होता है कि जो सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, पहले उसके इनिशियल जो वोल्टेज है यानी कि लगभग 50% वोल्टेज हम उसमें क्या करते हैं पास करा देते हैं, और उसके बाद उसको एक बैलेंस्ड रेट के साथ हम उसको क्या करते हैं राइज करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50% इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू अ सरफेस फ्लो अ करंट इज कॉल्ड। तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं जब उसके सरफेस में हम क्या करें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो सरफेस पर अभी जैसे मैंने बताया कि सरफेस किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं और उसके सरफेस पर हमने क्या किया है करंट फ्लो कराया है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस रेजिस्टिविटी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट अकॉर्डिंग टू ASTM सैंपल इज कंडीशन एट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट जो है हमारा ASTM के अकॉर्डिंग किन कंडीशन पर बेस्ड होता है? फर्स्ट इसमें कंडीशन दी है 23 ± 2 °C टेम्परेचर, ये कंडीशन क्या करती है, फॉलो कर रही है। सेकेंड है 50 ± 5% ह्यूमिडिटी, ये कंडीशन भी जो है फॉलो कर रही है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट को। थर्ड है हमारा 24 आवर्स, तो 24 आवर्स जो है ये भी हमारी कंडीशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द आर्क रेजिस्टेंस टेस्ट यूज्ड टू इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। तो आर्क रेजिस्टेंस टेस्ट में मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ही बताया है कि आर्क रेजिस्टेंस टेस्ट जो हमारा किया जाता है तो उसमें दो फिक्स्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आर्क जनरेट करती हैं सैंपल के ऊपर। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टंगस्टन इज करेक्ट आंसर, टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क एंड स्पार्क इज सेम थिंग बट, आर्क और स्पार्क जो है वो सेम है लेकिन, फर्स्ट ऑप्शन है स्पार्क हैव लो पावर, दैट इज करेक्ट। सेकेंड है स्पार्क हैव हाई पावर, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑप्शन आर्क हैव हाई पावर, दैट इज करेक्ट। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन वर्टिकली पोजीशन एट एंगल ऑफ, जो फिक्स्ड इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारी जो आर्क जनरेट करती हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, 6.35 mm, और किस तरह से प्लेस्ड होती हैं, द इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड वर्टिकली एट एंगल ऑफ 35 ° to 45 ° तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 to 45 ° तो ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक सब्जेक्ट्स।